सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके बीच से ही हैं। मुझे हर चीज की समस्या का पता है, हर जो कार्य है उसका पता है। से भी जो जो देना चाहता हूँ कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, मुझे मजदूर की भी समस्या का पता है और एक किसान की भी समस्या का पता रहे। जिसके सिर के ऊपर छत ना हो, कोई ऐसा पेट ना हो जो भूखे पेट उसको सोना पड़े, कोई भी ऐसी हाथ ना हो जिसके हाथ में रोजगार ना हो। देखिए, मुद्दे एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं इस शहर के अंदर। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे वो हमारे शहर की जो सड़कों की व्यवस्था की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की बात हो, गलियों की बात हो, सीवरेज की पानी जो व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, और भी महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के अनेकों मुद्दे हैं। शहर के पार्कों की जो व्यवस्था है उसको लेकर के है, या अन्य जो प्रकार की जो आम आदमी को जो फैमिली आईडी को लेकर के है, या राशन कार्डों के लेकर के है, या किसी अन्य प्रकार के बहुत सारे से मुद्दे हैं, अंबार लगा हुआ है मुद्दों का। हम सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से हमारी जो जनता है उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके बीच से ही हैं। मुझे हर चीज़ की समस्या का पता है, हर जो कार्य है उसका पता है, जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सब का पता है। मैं चाहता हूं कि भी कोई भी ऐसा सर ना रहे जिसके सिर के ऊपर छत ना हो, कोई ऐसा पेट ना हो जो भूखे पेट उसको सोना पड़े, कोई भी ऐसी हाथ ना हो जिसके हाथ में रोजगार ना हो, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा के जो किसी भी हालातवश उसको शिक्षा से वंचित रहना पड़े। मैं चाहता हूं कि भी हमारा जो युवा पीढ़ी आज नशे की दलदल में धंसती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें नशे के चंगुल से बचाना चाहिए। उसके ऊपर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसको अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक होगा, जिसकी वजह से इस देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से भी आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई जो किसानों की जो समस्याएं हैं, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूं, मुझे मजदूर की भी समस्या का पता है और एक किसान की भी समस्या का पता है। मैंने मजदूरी भी की है और किसानी भी की है। आज भी हम एक आम मजदूर और किसान के बच्चे ही हैं। हमें हर चीज़ का इल्म है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है इस राजनीति के दलदल के अंदर उतरे हैं, और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की जो है हम उम्मीद करते हैं। अगर आप लोग सहयोग और आशीर्वाद देते हो तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतों के अंदर जीत करके इन राजनेताओं को दिखा देंगे कि वे उन लोगों ने जो है किन कामों को नज़रअंदाज करने का काम किया है, उन लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए था। वो हम आने वाले जो अगर मौका मिलता है विधानसभा में जीत करके, विधानसभा के अंदर जा करके हम उनको बताएंगे कि भाई हमारी क्या क्या जरूरतें, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या काम है। सुनील जी, गठबंधन में जिनकी सीट क्लियर करती है, क्या दूसरी अन्य सीट से अगर मौका मिलता था चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ना हमें अब किसी पार्टी के अंदर जाना, देख लिया हमने सभी पार्टियों का हिसाब किताब देख लिया। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का सोशल हमने जुड़ाव किया था, लेकिन ये जो राजनीतिकरण है इसके अंदर कहीं ना कहीं पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। एक हम जब सोच के साथ में किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ में जुड़े हैं और उसकी अगर कोई पार्टी है तो हमें उसमें जुड़ना पड़ता है, लेकिन अगर वहां हमारी अहमियत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, तो हम उसमें छोड़ने में भी विवेच नहीं करेंगे। जहां इज्जत होगी आदमी वहीं रुकेगा, जहां नहीं होगी वहां भाड़ में जाओ। फिर देखिए, पार्टी ने मेरे को जिला प्रभारी लगाया है, मैं जिला प्रभारी हूं। जब तक पार्टी मुझे निष्कासित नहीं करती मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। रही बात पार्टी छोड़ने की, मैं अपनी तरफ से छोड़ूंगा नहीं, उनको छोड़वाना है जब छोड़वा देगा। मैं इस चीज से भी आपत्ति नहीं रखता हूं कि भी मुझे छोड़ने में कोई गुरेज नहीं है।